नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए गांव झाड़ी की खबरों की शुरुआत करते हैं। भीलवाड़ा के मॉडलगढ़ में आज कांग्रेस उम्मीदवार विवेक धाकड़ ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर सचिन पायलट, अशोक गहलोत, रामेश्वर डूडी, प्रभारी अविनाश पांडे और सीपी जोशी मौजूद रहे। नामांकन से पहले बस स्टैंड से रैली निकाली गई। धाकड़ का मुकाबला बीजेपी के शक्ति सिंह हाड़ा से है। वह सचिन पायलट भी आज मांडलगढ़ के दौरे पर रहे। पायलट सुबह सड़क मार्ग से जयपुर से मांडलगढ़ के लिए निकले। उनके साथ गहलोत और अविनाश पांडे भी साथ रहे। चाकसू, निवाई, देवली और टोक सहित कई जगह जनता ने उनका स्वागत किया। मांडलगढ़ उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी विवेक धाकड़ के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीकर के श्रीमाधोपुर से बीजेपी विधायक झाबर सिंह खर्रा ने कहा, अगर कोई गुंडा है तो मैं उसके लिए महागुंडा हूँ। ऐसा एक वीडियो आजकल खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो दो दिन पहले का है, जब निजी कॉलेज संचालकों के अनशन को संबोधित कर विधायक खर्रा लौट रहे थे, तभी पीछे से किसी निजी कॉलेज संचालक ने उन पर तंज कस दिया और कहा कि हमारा काम करवाओ वरना 10 महीने की विधायकी और बची है, उसके बाद आप भी सड़क पर आ जाएंगे। इतना सुनते ही जवाब में विधायक झाबर सिंह खर्रा झल्ला उठे। झुंझुनू के बिसाऊ के गांव सिरियासर से एक सप्ताह पहले लापता हुई नाबालिग को दस्तयाब कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में जांच शुरू की। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल और डीएनए सैंपल करवाया है। आपको बता दें कि गांव सिरियासर निवासी एक महिला ने अपनी 17 वर्ष बेटी के घर से गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए आरोपी सतवीर पर मामला दर्ज करवाया। उधर लड़की की मां का कहना है कि लड़की से आरोपी सतवीर ने जबरन गलत काम किया और शादी कर ली। झुंझुनू की सिंगाना उप तहसील की माकड़ो पंचायत में करीब 150 घरों पर संकट के बादल छाए हुए हैं। मामला 9 बीघा 11 बिस्वा पक्की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का है। फर्जी रजिस्ट्री के बाद जमीन खरीदने वाले लोगों ने कॉलोनी के लोगों को जगह खाली करने के आदेश दिए तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कॉलोनी के लोगों ने नायब तहसीलदार और पटवारी से जमीन की नप्ती करवाने की रिपोर्ट पेश की है। लोगों का आरोप है कि माया देवी, विकास, समर और पूजा ने जमीन भूदोली निवासी महावीर नायक को बेच दी जिसकी रजिस्ट्री बनवा दी गई। सवाईमाधोपुर के भाड़ूती में पिछले दिनों प्रशासन ने करीब एक दर्जन बंजारा परिवारों के आशियाने अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ दिया। ऐसे में हाड़ कपाने वाली सर्दी में बेघर हुए परिवार अपना सामान लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनके परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था नहीं करती तब तक वो यहीं धरना देते रहेंगे। अलवर की तिजारा पुलिस ने करीब 9 लाख की अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शराब तस्करी में लिप्त ट्रक भी जब्त किया। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर टोल प्लाजा के पास एक ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें खेल मुरमुरे के कट्टों के नीचे शराब की 150 पेटियां रखी थी। इस पर ट्रक चालक गफ्फार को गिरफ्तार किया गया। जैसलमेर के सिपरा पंचायत के कुम्हार कोठा के ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार शिकायत के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में जुलाई 2017 के बाद से महज 2 से 3 बार ही जीएलआर में पानी की सप्लाई हुई। जैसलमेर के पोखरण के बंदी कारागृह में पिछले 15 दिनों से गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है, जिसकी शिकायत पर भी जलदाय विभाग कोई एक्शन नहीं ले रहा। जेलर ने बताया कि गंदे पानी की सप्लाई से उनके महंगे दामों पर पानी का टैंकर खरीदना पड़ रहा है। बदबूदार पानी आने से कैदियों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। जालौर के रामसीन थाना क्षेत्र के थूर गांव के कृषि कुएं पर काम कर रहा किसान ट्रैक्टर के बैक गियर लगने से ट्रैक्टर सहित कुएं में जा गिरा, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही रामसीन पुलिस मौके पर पहुंची। कुएं में 50 फीट से ज्यादा पानी होने से किसान के शव को बाहर निकालने में दिक्कत आ रही थी। ट्रैक्टर को क्रेनों की मदद से बाहर निकाल लिया गया है। किसान के शव को बाहर निकालने के लिए पिछले 24 घंटे से कोशिश हो रही है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ कस्बे में पुलिस ने गश्त के दौरान एक विदेशी नागरिक को देखा तो संदेह होने पर उसे पकड़कर पुलिस थाने ले आए। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस जब रेलवे स्टेशन के पास गश्त कर रही थी तो गश्त के दौरान पुलिस ने एक विदेशी नागरिक को देखा, संदेह होने पर उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आए। थानाधिकारी भवानी सिंह चौरण ने उस विदेशी नागरिक की तलाशी ली तो तलाशी के दौरान विदेशी नागरिक के पास एक पासपोर्ट, कुछ खाली पॉलिथिन और पानी की बोतल मिली। पासपोर्ट पर उस विदेशी नागरिक का नाम डेविड लिखा था। जैसलमेर के पोखरण शहर से सुभाष पार्क के पास एक समुदाय के 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों गुटों की महिला सहित 5 लोग घायल हुए। 2 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया।
पुलिस जानकारी के अनुसार पोखरण शहर से सुभाष पार्क के पास ही हरिजन बस्ती है। यहाँ पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। सीकर जिले के दांता रामगढ़ में एक नवजात बालिका की मौत पर बवाल मच गया। जानकारी के अनुसार सज्जनपुरा निवासी राजेश अपनी गर्भवती पत्नी संतोष को लेकर दांता के बालाजी अस्पताल आया, जहां पर संतोष को शाम को सामान्य प्रसव से बच्ची पैदा हुई। अस्पताल ने महिला की अस्पताल से छुट्टी कर दी। महिला के सास ससुर जब बच्चा और जच्चा के साथ बच्ची को लेकर वहां पहुंचे तो बच्ची मृत थी। सीकर जिले के नीमगढ़ थाना कस्बे के मावंडा गांव के रहने वाले जवान की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। मावंडा कोर्ट के जवान बुधराम की मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है। ये जवान सीआरपीएफ जम्मू के पुलवामा में तैनात था। वही जवान बुधराम का शव उसके पैतृक गांव मावंडा पहुंचा, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भीलवाड़ा के रायला में धर्म प्रवर्तक जगतगुरु रामानंद महाराज की 719वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। वैष्णव समाज के बंधुओं ने महाराज की पूजा अर्चना की, साथ ही जगतगुरु के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके प्रतिपादित सिद्धांतों पर समाज को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। भीलवाड़ा के रायला में NH79 ईरांस जाने वाली सड़क पर चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। यह हादसा साइड देने के चक्कर में हुआ। गनीमत रही कि इससे किसी को चोट नहीं आई। यहाँ आए दिन खड्डे बचाने के चक्कर में हादसे होते रहते हैं। वहीं रायला से पालड़ी की 20 किलोमीटर सड़क टूटी होने से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाड़मेर के बालोतरा क्षेत्र के पचपदरा में प्रस्तावित रिफाइनरी प्रोजेक्ट से नमक की करीब 200 खानों को और नुकसान को लेकर उपजा विवाद कलेक्टर से वार्ता के बाद खत्म हो गया है। इसके बाद अखिल भारतीय समाज महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलन स्थगित कर दिया। बाड़मेर के बालोतरा में नगर परिषद आयुक्त को APO किया गया है। उनके स्थान पर क्षेत्र कार्यालय जोधपुर से आशुतोष आचार्य को लगाया गया। स्वायत्त शासन विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने यह आदेश जारी किया। जोधपुर के ओसिया में ग्राम पंचायत द्वारा किए जा रहे सीवरेज लाइन काम को नहीं होने पर सीवरेज की होदी को क्षतिग्रस्त करने और सार्वजनिक चौक में अतिक्रमण करने से प्रयास से परेशान लोगों ने SDM को शिकायत की। मोहल्लेवासियों ने बताया कि समस्या की शिकायत पहले भी कई बार करनी हो और पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। राजसमंद के देवगढ़ में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए काचबली मुंडावर की सीमा पर स्थित एक मकान में भारी मात्रा में शराब बरामद की। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया। राजसमंद के देवगढ़ क्षेत्र की पीपली नगर पंचायत के कुंडीवेर में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर जानलेवा हमले के मामले में दो महिला सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। जोधपुर के ओसिया में ई-मित्र धारकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। आयोजन के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव भेराराम सियोल ने कहा कि ई-मित्र धारकों को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जोधपुर के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के जोधपुर जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 54 मील की सरहद में एक निजी बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खा गई और पत्थर सड़क पर बिखर गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। चित्तौड़गढ़ के अकोला में 3 जनवरी से शुरू हुए नेकी घर की अवधि को बढ़ा दिया गया है। वस्तुओं की आवक और जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए अब नेकी घर को 10 जनवरी तक संचालित किया जाएगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल लौटेंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ के अकोला में अखिल मेवा जाट समाज खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री CR चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया। यह भाजपा किसान मोर्चा जिला प्रवक्ता शोभालाल जाट, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष भैरूलाल जाट मौजूद रहे। इस मौके पर किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष और जिला प्रवक्ता ने डेयरी चेयरमैन के नेतृत्व में क्षेत्र में अतिरिक्त राशन की दुकान खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया।
जयपुर के चोमू उपखंड के सामू थाना क्षेत्र के ग्राम विजय सिंहपुरा में दो पक्षों में खेत की सीमा को लेकर विवाद में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोगों को चोटें आई हैं। घायलों को इलाज के लिए चोमू और सामूत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से तीन को जयपुर रेफर कर दिया गया। जोधपुर के बाप में भीमा कोरेगांव की घटना के विरोध में संगठनों ने धरना देकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। इस दौरान महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। एडवोकेट गोवर्धन जयपाल ने कहा कि देश में कट्टरपंथी ताकतें हिंसा फैलाने का डर का माहौल पैदा करना चाहती हैं। जोधपुर के बाप में सोलर भरला पार्क में 29वें सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू हुआ। पहले दिन रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान सब इंस्पेक्टर इमरान खान सहित अन्य पुलिसकर्मी और सोलर कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। यह वाहन चालकों को सही वाहन चलाने की जानकारी सहित बाइक सवारों के लिए हेलमेट के नियम बताए गए। जयपुर के पावटा कस्बे में अंडरपास के विरोध में और फ्लाईओवर की मांग को लेकर चल रहे धरने में दीनदयाल वाहिनी के संयोजक और वरिष्ठ विधायक घनश्याम तिवाड़ी भी पहुंचे और जनता की मांग को जायज बताया। साथ ही तिवाड़ी ने केंद्र मंत्री नितिन गडकरी को पत्रों के माध्यम से अवगत करवाने का आश्वासन दिया। भीलवाड़ा के आसीन में उपखंड कार्यालय पर नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष सुनील कुमार मेवाड़ा के नेतृत्व में एसडीएम दिनेश कुमार धाकड़ को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में भाजपा के द्वारा नियुक्त पार्षद चुन्नीलाल पहाड़िया द्वारा सरकारी सार्वजनिक परियोजना आरक्षित करोड़ों रूपए की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण कार्य को अति शीघ्र हटाने की मांग की गई। साथ ही पार्षद चुन्नीलाल पहाड़िया की सदस्यता निरस्त करने की मांग की गई। वहीं जल्द अतिक्रमण नहीं हटाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। चित्तौड़गढ़ के निमाहेड़ा में वैष्णव संप्रदाय के जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य महाराज की 719वीं जयंती केसर वाटिका में मनाई गई। भदेसर के डीएसपी गोपाल दास रामावत के मुख्य आतिथ्य गोपाल वैष्णव की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किए गए। पाली के रानी में नगर कांग्रेस सेवादत कार्यकर्ताओं का नव वर्ष स्नेह मिलन समारोह मनाया गया। ये समारोह शीतला चौक में नगर मुख्य संगठक मोहन लाल देवड़ा की अध्यक्षता और जिला कांग्रेस सेवा दल के जिला मुख्य संगठक मोहन हटेला के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। भीलवाड़ा के आसीन में छात्र संघ महासचिव पूजा कुमावत के नेतृत्व में एसडीएम दिनेश कुमार धाकड़ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि राजकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगाई जाए। इस पर एसडीएम ने जल्द से जल्द पूर्ण कार्रवाई का भरोसा दिया। नागौर के रियाबड़ी में ट्रैक्टर एसोसिएशन और क्षेत्रवासियों ने एसडीएम गौरीशंकर शर्मा को अवैध बजरी खनन रोकने और पुलिस चौकी में कार्यरत स्टाफ के विरोध में ज्ञापन सौंपा। ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पुलिस चौकी में कार्यरत स्टाफ पर आरोप लगाया कि अवैध खनन में इन पुलिस वालों की मिलीभगत है। ट्रैक्टर एसोसिएशन ने मांग की है कि अगर हमारी मांगे 7 दिनों में पूरी नहीं हुई तो उपखंड कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के निवाहेड़ा में मुनि संघ की दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष पूरनमल गदिया और सोशल ग्रुप के अध्यक्ष सुशील काला की अगुवाई में श्रद्धालुओं ने श्रीफल से अगवानी की। मुनि संघ ने आचार्यों के बाद सरावगी गली स्थित दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन कर जावत की ओर विहार कर दिया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में ग्राम फाचो और अहिराम में चल रही 5 दिवसीय संगीत में वेद कथा के समापन के अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुषों ने भाग लिया। इस अवसर पर अंजलि आर्या ने विभिन्न प्रसंगों की व्याख्या करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति का मूल तत्व आर्य व्रत में है, जो मानव जीवन को जीने के सफल रास्ते बताता है। यहाँ यूडीएच मंत्री श्रीचंद कपलानी ने भी जनप्रतिनिधियों के साथ पहुंचकर वेद कथा का श्रवण किया और लोगों को सुसंस्कृत शिक्षा देकर जीवन को सफल बनाने के गुर सिखाए। श्रीगंगानगर के साधु शहर में 3.5 महीने पहले क्षेत्र के करीब 1 दर्जन चक्कों में हुई ओलावृष्टि और बरसात के साथ आए अंधड़ से नष्ट हुई फसलों के प्रभावितों को मुआवजा राशि दिलाने की मांग की गई। वही किसान संघर्ष समिति ने एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। कांग्रेस खेलकूद प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कृष्ण सहारा ने बताया कि प्रशासन ने सर्वे में 2.5 करोड़ रुपए मुआवजे की अनुशंसा की थी, लेकिन सरकार ने नियमों का बहाना बना सहायता राशि देने से मना कर दिया है और अब जब सरकारी मुआवजा नहीं देती तब तक ये धरना जारी रहेगा। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में भाजयुमो की ओर से नव मतदाता को वोटर लिस्ट में जोड़ने का शिविर उदयपुर रोड स्थित राजयात्री निवास में लगाया गया, जिसमें 137 नव मतदाताओं को जोड़ा गया और इन्हें भाजपा की शपथ दिलाई गई।
सिरोही के देवधर में दातराय में स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के कारण सरकार की करोड़ों की बेशकीमती चारागाह भूमि पर अतिक्रमण जमे हुए हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन पुख्ता कार्रवाई करने की जहमत तक नहीं उठा रहा है। पादरू खेड़ा रोड और दातराई गांव में करीब 2173 बीघा गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। अजमेर के पिसांगन में पुराना गोविंदगढ़ रोड आदर्श नगर वार्ड 2 में स्वच्छता अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। यहां नालियों के अभाव में मुख्य मार्ग पर कीचड़ फैला हुआ है। इससे राहगीरों सहित वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। शिकायत के बावजूद भी जिम्मेदार प्रशासन मौन बैठा हुआ है। अजमेर के पिसांगन में अजमेर लोकसभा उपचुनाव को लेकर चुनावी रंगत शुरू हो गई है। स्वीप कार्यक्रम सफल बनाने को लेकर उपखंड क्षेत्र के 101 मतदाता केंद्रों पर दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह मत का महत्व बताते हुए नवीन मतदाताओं और श्रमिकों को निष्पक्ष मतदान करने की शपथ दिलाई गई। भरतपुर के डीग में विधायक अनीता सिंह गुर्जर और प्रधान गायत्री पोर्टार ने उप तहसील जनूथर में सीसी सड़क का लोकार्पण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक और प्रधान का शॉल उड़ाकर और चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने बिजली, पेयजल, आवारा पशुओं से हो रहे फसल नुकसान के साथ अवैध नल कनेक्शन की समस्याएं विधायक के सामने रखी। भरतपुर के बयाना में बिजली डिस्कॉम की ओर से गांव नेहरोली में नवनिर्मित 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन और विधायक निधि से राजकीय स्कूल में बने कक्षा कक्ष का लोकार्पण समारोह हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता दीपराज सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता विधायक बच्चू सिंह बंशीवाल ने की। इससे पूर्व ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली निकालकर 21 किलो के फूलों का हार से अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में अतिथियों ने जीएसएस के शिलापट्ट का अनावरण बटन दबाकर विधिवत लोकार्पण किया। भरतपुर के बयाना में जिला रसद अधिकारी बीना महावर में नियमित समीक्षा बैठक तहसील और सभी ग्राम पंचायतों के उचित मूल्य के दुकानदारों के साथ पूरी। इसमें सभी डीलर्स को अन्नपूर्णा योजना के बारे में जानकारी दी गई और पोस्ट मशीन के द्वारा लाभान्वित लोगों को उचित लाभ मिल सके, इसके लिए सभी डीलर्स को निर्देशित किया गया। कोटा के जावा में पालिका प्रशासन ने स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत नगर के खातोली रोड मोटर मार्केट में दुकानदारों से कचरा पात्र रखने और कचरे को पालिका की गाड़ी में डालने की अपील की। इस दौरान ईओ राजपुरोहित ने कचरा पात्र नहीं रखने वाले दुकानदारों से 2 दर्जन से अधिक से 2800 रुपए का जुर्माना वसूला और भविष्य में गंदगी नहीं फैलाने के निर्देश दिए। इस दौरान पालिका के स्वच्छता एम्बेसडर निशित शर्मा ने लोगों को स्वच्छता सर्वेक्षण की जानकारी दी और लोगों को स्वच्छता ऐप डाउनलोड करवाया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गांव जाड़ी की खबरों के सिलसिले में चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतपुर के बयाना में कुंडा तिराहे पर कार्रवाई करते हुए एक मेटाडोर में निर्दयता पूर्वक भरकर ले जाए जा रही 19 भैंसों को मुक्त करवाकर वाहन के चालक पशु मालिक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने वाहन को भी जब्त किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने भैंसों को उत्तर प्रदेश के कट्टी घर में ले जाना बताया। कोटा के खैराबाद में भारत विकास परिषद चिकित्सालय में निशुल्क विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में चिकित्सकों की टीम ने 1150 मरीजों की जांच की, जिसमें 389 मरीजों को ऑपरेशन योग्य पाए जाने पर भर्ती किया गया। सिरोही के आवरोड़ में गड्ढे में गिरे बैल को बाहर निकाला गया। शहर के शांति कुंज पार्क के पास एक बैल गड्ढे में गिर गया था, जिसे शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जेसीबी की मदद से बाहर निकाला। सिरोही के आबरोड में भाजपा युवा मोर्चा ने नव मतदाता शिविर का आयोजन किया, जिसमें 18 वर्ष के हुए युवाओं को पहचान पत्र बनवाने के लिए पंजीकृत किया गया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंधल, मंडल अध्यक्ष प्रेम सिंह लोधा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोटा के टावा नगर के खातोली सड़क मार्ग पर आज सुबह सब्जी से भरी एक पिकअप मेटाडोर सड़क के बीच बने डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना में ड्राइवर को गंभीर चोट आने पर इटावा से प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया। यहां डिवाइडर पर रेडियम और
निर्देश पट्टिका नहीं होने से आए दिन हादसे होते रहते हैं। कोटा के टावा क्षेत्र के ककरावदा जल उपयोगिता संगम समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में किसानों ने एसडीओ संजीव कुमार शर्मा को ज्ञापन देकर नहरों में जल प्रवाह शुरू करवाने की मांग की। किसानों ने सीएजी अधिकारियों द्वारा किसानों के साथ अभद्रता करने का भी आरोप लगाया। अजमेर के किशनगढ़ में अजमेर रोड पर बदमाशों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम उखाड़ लिया। सूचना के बावजूद भी पुलिस सोती रही। बताया जा रहा है कि इस एटीएम में लाखों रुपए की नकदी थी। पाली के सोजर शहर के आवासीय कॉलोनी शास्त्री नगर में पेयजल की भयंकर दिक्कत हो रही है। यहाँ लोगों को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा। परेशान महिला पुरुषों ने हाथों में खाली मटके लेकर जेता रणिया गेट से शुरू कर शहर के विभिन्न रास्तों से होते हुए विभाग और नगर पालिका के खिलाफ विरोध जुलूस निकाला। इसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आक्रोशित जनसमूह नगर पालिका कार्यालय के सामने जाकर नाराजगी जताते हुए धरने पर बैठ गए और नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मटके फोड़े। जयपुर के पावटा में ग्राम भांकरी में वीर शहीद सुबे सिंह की पुण्यतिथि पर शहीद सुबे सिंह संघर्ष समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिला पार्षद पुष्पा मीना ने शहीद की माताजी और धर्मपत्नी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। जोधपुर के बालेसर में निम्बा का गांव पंचायत के सुवेरी गांव में कार के आगे अचानक नील गाय आ जाने से इसको बचाने के चक्कर में कार तारबंदी से टकरा गई। गरिमा सुई के हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। जोधपुर के बालेसर में ग्राम पंचायत जोलियाली गांव में ग्रामीणों के जन सहयोग से 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा और नारीबाई का मायरों का शुभारंभ समारोह पूर्वक हुआ। इससे पहले गोधुली वेला में प्रभात फेरी का आयोजन हुआ जिसमें गांव की बालिकाओं और महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर मंगल गान करते हुए पूरे गांव का भ्रमण किया। राजसमंद के आमेट में एसपी सेवा संस्थान द्वारा एक माह से संस्थान के परिसर में निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया। यहां करीब 201 विद्यार्थियों को ये प्रशिक्षण दिया गया। सीकर के नीमका थाना के दीपवास पंचायत के घाटा गुवार उत्कृष्ट राजकीय विद्यालय में ग्रामीणों ने शिक्षकों की कमी और क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। साथ ही करीब 2 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद उच्च अधिकारियों ने ग्रामीणों से फोन पर बात कर 2 दिन में समस्या का समाधान का आश्वासन दिया। इस पर ग्रामीणों ने स्कूल पर जड़ा ताला खोला। ग्रामीणों का कहना है कि अगर 2 दिन में मांगे नहीं मानी जाती है तो इसके बाद चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पाली के देसुरी कस्बे के क्षेत्रपाल महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह के तत्वावधान में विद्यालय के छात्र छात्राओं की सुविधाओं को देखते हुए बस का उद्घाटन किया गया। पाली के देसुरी में ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं का नववर्ष में मिलन समारोह डाक बंगले में जिला कांग्रेस सेवा दल के जिला मुख्य संगठक मोहन हटेला के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। इस अवसर पर जिला संगठक के पद पर अमर सिंह पवार और देसुरी ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक पद पर एडवोकेट देवदत्त मोटा को नियुक्त किया गया। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में चार भुजा बप्पा रावल चौराहे पर अणुशक्ति श्रमिक संघ के बैनर तले श्रमिक और बेरोजगार लोगों का अनिश्चितकालीन धरना 7वें दिन भी जारी रहा। प्रतापगढ़ के दरियावत के नलवा गांव में आबादी के समीप खेत में अजगर देखे जाने से सनसनी फैल गई। अजगर के होने की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी जिस पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने ग्रामीणों की मदद से करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित पकड़ लिया। सीकर के नीमका थाना में उपजे विवाद के कारण पिछले 8 दिनों से पालिका के बाहर शहीद सम्मान बचाओ संघर्ष समिति द्वारा क्रमिक अनशन और सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। समिति संयोजक और शहीद सुनील यादव के पिता सावल राम यादव और साथी सुगा राम के साथ 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आमरण पर बैठ गए। बारकंता में टोडी गांव में एक महापूर चोरी की गई ट्रॉली का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बाड़मेर के समदड़ी में वैष्णव वैरागी समाज की ओर से रामानंदाचार्य जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर वैष्णव समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखंड के झिझनियाली पीएचसी में 108 सेवा खटारा होने के चलते आपातकालीन सेवा के लिए कई बार बीच राह में ही खराब हो जाती है जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अजमेर के रूपनगढ़ में छात्रों से मारपीट का वीडियो वायरल होने पर कुमावत समाज ने मामले की जांच की मांग कर रहा है। झुंझुनू के बिसाओ में थाना सर्किल से बाईपास सर्किल तक बन रहे गौरव पथ का निर्माण कार्य कुछ दुकानदारों के विरोध के चलते 7 दिनों से बंद पड़ा हुआ है।
सड़क के दोनों साइड में चौड़ाई बढ़ाने के लिए खोदे गए गड्ढों के कारण दिन भर जाम की स्थिति रहती है। अजमेर के पुष्कर में तहसीलदार कार्यालय और नगरपालिका पुष्कर के संयुक्त तत्वावधान में रंगोली और दीपदान का कार्यक्रम आयोजित कर आगामी उपचुनावों में मतदाताओं को बढ़ चढ़कर भाग लेने का संदेश दिया गया। चुरू के सरदार शहर में चिता सेना के राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। इससे पहले सैकड़ों युवा ताल मैदान से विशाल रैली के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन दिया। जालौर के चितलवाना में विधायक सुखराम बिश्नोई ने क्षेत्र के गांवों में जनसंपर्क अभियान शुरू किया। उन्होंने क्षेत्र के अग्रावा, सेसावा, सायर का, कोसिटा सहित कई गांवों का दौरा कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। दौसा के सिकराय उपखंड में गीजगढ़ गांव में जलदाय विभाग के खिलाफ पेयजल आपूर्ति की समस्या को लेकर जलदाय विभाग कार्यालय के सामने दर्जनों ग्रामीण धरने पर बैठे। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करके रोष जताया। ग्रामीणों ने बताया कि जलदाय विभाग कार्यालय में कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पड़े पद पर लगाए जयर ने कार्य ग्रहण नहीं किया। झुंझुनू के सिंघाना में माकड़ो पंचायत के वार्ड नंबर 9 में प्रशासन का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस वार्ड 9 की आवासीय बस्ती पर संकट के बादल छाए हुए हैं। बस्ती को खाली दिखाकर अधिकारियों ने फर्जी रजिस्ट्री कराई और बिकी हुई जमीन की दोबारा रजिस्ट्री बना दी। मामले का सैकड़ों ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। चुरू के रतनगढ़ में राजगढ़ चेयरमैन जगदीश बैरासरिया पर हुआ मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की मांग की गई। संयुक्त व्यापार संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने यह ज्ञापन सौंपा। दौसा के मेहदीपुर बालाजी में आने वाले श्रद्धालुओं को इन दिनों भिखारियों के झुंडों से जूझना पड़ रहा है। ये भिखारी श्रद्धालुओं के पीछे लग जाते हैं। मंदिर परिसर के आसपास दर्जनों महिला भिखारियों का जमघट लगा रहता है। ये भिखारी बालाजी मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं से भीख मांगने के दौरान पैसा मांगते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।